खारान में फायरिंग, साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट नूर मस्कान जई जावाहक हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ क्वेटा मुस्तफा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा तरीन, इस वाके से मुतालिक बताइएगा। जी, खारान बलोचिस्तान का दूर दराज जिला है, जहां पर साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट मोहम्मद नूर मस्कान जई मालूम अफराद ने फायरिंग की, जिससे वो मौके पर शदीद जख्मी हुए। उन्हें 2 से 3 गोलियां लगी, जिसके बाद उनको खारान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया मेडिकल सहूलत के लिए, लेकिन अस्पताल में वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गए हैं। इस वक्त जो इंतजामी हुकाम है खारान, उनका कहना है कि नामालूम अफराद जिन्होंने फायरिंग की साबिक चीफ जस्टिस पर, वो मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए, लेकिन इस वक्त तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कान जी की डेड बॉडी इस वक्त खारान के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पड़ी है। खारान के इंतजामी हुकाम ने फैसला किया था कि उनको इमरजेंसी सूरत में कराची शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए संभव हो चुके हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका मुस्तफा खान।